हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज सुनील। वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। निफ्टी की वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को डिलीवर कर दी जा चुकी है। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, ये देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी की क्या वाइडर रेंज निकल के आती है, और उसके साथ साथ मंडे का इंट्राडे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से वीडियो को पूरी देखिएगा, आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं चीज़ें जब समझ नहीं पाएंगे तो आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेंगे, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे कॉन्फिडेंस के अभाव में। तो चीज़ों को समझिए, ध्यान से वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे कंटिन्यू चार कैंडल बनी, वीकली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। मैंने आपको बहुत टाइम से जब मैंने एनालिसिस वीडियो बताया है, जाके आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, मैंने आपको बताया था जब यहाँ पे तीन कैंडल ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी थी। तो जनरली होता क्या है वीकली चार्ट पे कि तीन कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल जरूर बन जाती है, लेकिन जब ये चार कैंडलें बन गई तो मैं कहीं ना कहीं से 90% श्योर हो गया कि अब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आने वाली है। क्योंकि प्रीवियस डाटा आप वीकली चार्ट पे देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे तीन कैंडल एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पे चार कैंडल उसके बाद एक ग्रीन कैंडल। जनरली जहाँ पे भी देखेंगे तीन से चार कैंडल, मैक्सिमम कभी किसी भी केस में पाँच से पाँच के बाद मैं 99% श्योर हो जाता हूँ कि एक ग्रीन कैंडल जरूर आएगी। क्योंकि हिस्ट्री बार बार रिपीट होती है, इस वजह से मैं एकदम श्योर हो जाता हूँ कि चीज़ें अब यहाँ पे होने वाली हैं। तो समझने की कोशिश करिए, जितना ज़्यादा आप चार्ट को रीड करेंगे, जितना ज़्यादा आप चार्ट की साइकोलॉजी की समझने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। कभी भी एक ट्रेडर अपने बिलीव को ट्रेड करता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। तो चलिए बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम का बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। ट्रेंड कहीं ना कहीं बुलिश साइड का था, कहीं पे भी वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कोई भी लो ब्रेक नहीं हो रहा है। ऑल टाइम के पास, जब ये ऑल टाइम के पास था तो हम लोगों ने वीकली एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक अच्छा मूव तभी मिलेगा कि ये अपसाइड गया है, यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉज ले ले, पॉज लेने के बाद इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सेंटीमेंट कुछ दूसरा दिख रहा है, सेंटीमेंट ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये वीकनेस बहुत तेज दिख रही है। इस कैंडल को देखेंगे तो बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है, प्रीवियस दो कैंडल का कम, दोनों कैंडल का ऑलमोस्ट 90% मूव इसने इंगल्फ कर लिया है। जनरली ये तो ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, इस कैंडल का जो ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल का लो नेक्स्ट वीक में ब्रेक होगा तो ये कंटिन्यूशन में जा सकता है, फिर ये डे लो को टच कर सकता है 43,500, फिर हमारे लिए टारगेट हो सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। तो इसको हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं उसको समझने के लिए हमें एक साइकोलॉजी मिल गई। वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज हुई थी, वीकली क्लोजिंग मिली थी, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक बियरिश कैंडल हमें यहाँ पे फॉर्म होते हुए देखने को मिली है। जनरली प्रॉफिट बुकिंग आती तो एक छोटी सी कैंडल रेड बन जाती यहाँ पे, उसके बाद अगर बाइंग स्ट्रांग होती तो ये फिर उसी फ्लो में एक नया हाई मार देता। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये बियरिश कैंडल फॉर्म हुई है, तो कहीं ना कहीं ये वीकनेस यहाँ पे शो कर रही, बस हमें कुछ करना नहीं है, इसको कंटिन्यूशन में जाना होगा। तो इस वीकली कैंडल क्लोजिंग बियरिश कैंडल का ये अलर्ट कैंडल हमारे लिए मिल चुकी है, बस इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हम फिर ये लो टच करने की कोशिश करेंगे। जो लो पॉइंट है वो है 43,500 का। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ये डाटा रीडिंग आपको समझ आ चुकी है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे चीज़ें और समझ में आएंगी। डेली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे व्यू कुछ दूसरा मिल रहा होगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक स्विंग था, ये स्विंग ब्रेक होने के बाद ये पूरा जोन ही हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन था लेवल, लेकिन इसके नीचे ब्रेक नहीं करना था। मैं प्लान किया था कि इसी जगह से एक रिवर्सल देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं से ये वीकनेस शो कर रहा है, तो हमको इसको बीट करना चाहिए। अगर इस पूरे मोमेंटम का हाई टू लो टच करेंगे तो 0.618 का लेवल है, बस इसके नीचे अगर प्राइस निकलता है देखेंगे तो इसी लेवल से, ये पर्टिकुलर लेवल क्या था हमारे लिए एक सपोर्ट था, लेकिन इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद प्राइस सेकंड हाफ में यहाँ पे 12-1 बजे के पास प्राइस इसको टच किया था फ्राइडे के दिन, उसके बाद फिर से इसी जगह से सेलिंग प्रेशर आ गया। तो कहने का ओवरऑल मतलब है कि अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो गया, जो कि लो है
हम इसको देखते हैं कि इसका लो एग्जैक्ट क्या है, तो लो है 44,552 का, हम इसको 44,500 कंसीडर करते हैं। अगर मंडे के दिन प्राइस 44,500 के नीचे जाता है तो फिर ये टारगेट हमको मिल जाएगा 44,250, फिर ये जितने लोज हैं हमारे लिए सब डेली चार्ट पे टारगेट की तरह काम करेंगे। तो इसको किस तरीके से प्लान आउट हम कर सकते हैं उसके लिए हमें आवर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाना होगा, तो लगाएंगे तब हमें चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। इस चार्ट को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं और यहाँ पे प्राइस का फॉर्मेशन देखेंगे तो किस तरीके से है, लो लगा, फिर से हाई लगा, फिर एक लो और यहाँ पे फिर से एक हाई, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बॉटम फॉर्म हुआ है। लेकिन कंफर्म कब होगा, जब ये हाई को ब्रेक करेगा, लेवल है 45,000 का, और डाउन साइड में जो लेवल है हम उसको एग्जैक्ट देखते हैं कि कितने का लो लगा है यहाँ पे। तो ये लो है 44,557 का लो हमें यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम इस लेवल को मार कर लेते हैं, इस लेवल को हम मार करेंगे और थोड़ा सा इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि चीजें आपको यहाँ पे और भी समझ में आ जाएं। अब इस हाई को भी हम मार कर लेते हैं। अब यहाँ पे दो ही सिनारियो हो सकता है कि प्राइस फ्लैट ओपन होने के बाद इसको ब्रेक कर दे। तो सबसे बेस्ट सिनारियो सेल साइड का सिनारियो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे ही अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट यहाँ पे 44,500 से लेके 44,650 के बीच में यहाँ कहीं पे ओपन होता है और इस लो को ब्रेक कर देता है 44,500 के नीचे, अगर इसके नीचे निकलता 44,550 है, 44,500 आप मानिए इसको, 44,550 के नीचे निकलता है आप इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे किसी भी कंडीशन में गैप अप ओपन हो गया, प्राइस यहां कहीं 44,800 के पास ओपन होता है तो यहां पे भी एक यूटर्न मिल जाएगा और ऊपर से भी एक यूटर्न मिल जाएगा, तो कॉल राइटर यहां पे भी एक्टिव हो जाएंगे और पुट राइटर यहां पे एक्टिव हो जाएंगे। तो चांसेस आज बेरी है कि मार्केट इसी रेंज में बना रहे और जब भी ब्रेक करेगा तो आपको एक ट्रेंडिंग मूव दोनों साइड में देखने को मिलेगा। तो सबसे बेस्ट सिनारियो क्या होगा, अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद लो को ब्रेक करता है, फ्राइडे के लो को ब्रेक करता है, आप सेल कर सकते हैं। लेकिन किसी भी कंडीशन में गैप अप ओपन नहीं होना चाहिए, अगर गैप अप ओपन हो जाएगा तो सिनारियो यहां पे फिर चेंज हो सकता है, फिर मार्केट के साइडवेज जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि रीजन है यहां पे भी यूटर्न है, जब तक कुछ लोगों के सेलर के एसएल यहां पे पड़े हुए हैं और फिर अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो कॉल राइटर पुट राइटर के एसएल यहां पे पड़ जाएंगे, तो इसी रेंज में मार्केट बना रहेगा। एक ट्रेंडिंग मूव 44,000-45,000 के ऊपर मिलेगा या आपको इस फ्राइडे के डे लो के नीचे मिलेगा। तो फ्लैट ओपन होने के बाद डे लो को ब्रेक करता है फ्राइडे के तो आप सेल करेंगे, लेकिन गैप अप ओपन हो जाता है तो जब तक 45,000 ब्रेक नहीं करता है तब तक आप बाय नहीं करेंगे। लेकिन एक कंडीशन अभी मैं आपको बताने के लिए बची हुई है, वो कंडीशन है गैप डाउन। अगर 200-300 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो जाता है किसी भी सिनारियो में और प्राइस यहां कहीं ओपन हो जाता है तो स्लो एंड स्टडी अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास पहुंचे तो इस पर्टिकुलर जगह से हायर हाइज लगाना बंद करे, कोई स्विंग लो ब्रेक करे तब भी यहां से सेल कर सकते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई गैप डाउन में अगर इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो सेकंड कंडीशन क्या आ जाती है, गैप डाउन ओपन हो और सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो तो लोअर लोज लगाते हुए फॉर्मेशन बनेगी, तो कोई लो लगे फिर से हाई लगे और इस लो को निकाल दे तब भी आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। होप आपको ये दोनों तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, फ्लैट गैप अप गैप डाउन दोनों ही सिनारियों में आपको, तीनों ही सिनारियों में आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको अपना प्लान करना है। तो सारी चीज़ें उसी हिसाब से प्लान करिएगा जिस हिसाब से कंडीशन होगी। तो वो फ्रेंड्स आपको एनालिसिस क्लियर हो चुकी होगी, डेफिनेटली अगर एनालिसिस पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।